मैं हूं क्लीमुला। आज हम बात करेंगे तुर्की में टैक्सी सर्विस का काम कैसे कर सकते हैं, तुर्की में कौन कौन सी कंपनी टैक्सी सर्विस का काम कर रही है। अगर आप तुर्की में टैक्सी चलाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम क्लीमुला, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें ये बताएं कि तुर्की में अगर कोई हमारा भाई टैक्सी चलाना चाहता है तो इसका क्या तरीका कार है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जी क्लीमुला, आज का टॉपिक बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि हमारे से बहुत से लोगों ने पूछा कि मैं तुर्की में टैक्सी चलाना चाहता हूँ या टैक्सी सर्विस देना चाहता हूँ या टैक्सी कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो आप इस बारे में मुझे गाइड करें या इस बारे में वीडियो बनाएं। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम कोई भी टॉपिक जो लेते हैं जिस पे वीडियो बनाते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो काम जो पॉसिबल है और जितने बजट में वो मुमकिन है उसका सारा तजिया हम आपके साथ दें और आपको बताएं। जो काम मुमकिन नहीं है उस पे हम वीडियो ही ना बनाएं ताकि किसी बंदे को मिस गाइड ना किया जाए, किसी बंदे को कोई ऐसा जो है हम बात ना बताएं जो कल को हो ना सके और वो अपना प्लान जो है उस हिसाब से कर ले, तो इससे अगले बंदे का पैसे का भी नुकसान होगा और वक्त का भी नुकसान होगा। बेसिकली आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर हमने इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। अब यहाँ पर दो से तीन बातें हैं जो आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि इस्तांबुल में जो टैक्सी है, येलो टैक्सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, येलो टैक्सी जो है 1960 के बाद किसी भी टैक्सी को नंबर प्लेट इशू नहीं हुआ, 1960 के बाद, और तकरीबन इस वक्त 17,395 टैक्सीज जो है नंबर प्लेट्स के साथ येलो टैक्सीज वो चल रही है इस्तांबुल में, और एक नंबर प्लेट की जो कीमत है इस्तांबुल की मार्केट में 2 मिलियन टर्किश लीरा यानी 1,90,000 डॉलर की सिर्फ नंबर प्लेट है, 1,90,000 डॉलर की सिर्फ नंबर प्लेट है जो आप किसी गाड़ी पर लगा कर उसको एज ए टैक्सी चला सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो माड़ा बंदा, गरीब बंदा अफोर्ड करना चाहता है कि वो अपना टैक्सी चला कर अपना गुजर बसर कर ले, तो क्या वो तकरीबन 2 लाख डॉलर जो पाकिस्तानी 2.5-3 करोड़ रुपया बनता है इतने की नंबर प्लेट ले लेगा? जब आप ये बात करते हैं कि मैं एज ए टैक्सी काम करना चाहता हूँ, एज ए टैक्सी सर्विस इस्तांबुल में काम करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बहुत से यूट्यूबर हैं, ये फलां टैक्सी में बैठ रहा है, ये पीली टैक्सी है, ये रोज़ाना के कितने पैसे कमा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ओ भाई, हम वो यूट्यूबर नहीं हैं, आपको हम ख्वाब नहीं दिखा सकते, हमने हकीकत बताना होती है, हम रियल बिजनेसमैन हैं और हमारा काम है जो चीज़ मुमकिन है वो हम आपके सामने रखें और जो मुमकिन नहीं है वो हम आपके साथ बात ही ना करें। तो इसलिए हम ऐसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाते जो मुमकिन नहीं है। मेन मकसद क्या है कि भाई जो जिनके पास थोड़ा पैसा है वो सर्वाइवल करना चाहते हैं, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स उनके लिए लेकर आएँ, ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आएँ, ऐसे हम सर्वाइवल के लिए जो छोटे मोटे काम हैं वो लेकर आएँ जो कम बजट में $5,000, $7,000, $10,000 में शुरू हो सकते हैं और आगे उनको कंटिन्यू रखा जा सकता है और जिससे वो अपना रोज़ाना का गुजर बसर भी कर सकते हैं और एक इज्जत से जो है अपना रोज़गार कमा सकते हैं। तो इसलिए हमने टैक्सी को शुरू में ही लेकर नहीं आए आपके लिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई, जब तकरीबन मैंने बताया कि 2,90,000 डॉलर, 2,90,000 डॉलर की सिर्फ ये नंबर प्लेट है और 2 मिलियन टर्किश लीरा तकरीबन इतनी अमाउंट बनती है। अब जो है इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन जो आ जाता है ये म्यूनसिपैलिटी, इन्होंने 5,000 से 6,000 टैक्सीज
नई आगे सिस्टम में डालने के लिए ये वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसकी आगे इन्होंने नंबर प्लेटें देनी है और इशू करना है। और इस वक्त टोटल जो है तीन बड़ी कंपनीज जो हैं, बाय टैक्सी है और आई टैक्सी के नाम से और एक लिफ्ट के नाम से, बाय टैक्सी, आई टैक्सी और लिफ्ट के नाम से ये तीन कंपनीज हैं जो आगे ऑपरेट कर रही हैं, और वो भी इन्हीं येलो टैक्सीज को ही अपने सिस्टम में शामिल करके इन्हीं के साथ ही वो कर रहे हैं। उबर को बैन कर दिया गया है। अब जब ये सारा काम है तो आप एज ए टैक्सी ड्राइवर या आप एज ए टैक्सी सर्विस काम कैसे कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम एक तरफ, हम आपके लिए जो सोल्यूशन लेकर आए हैं वो दूसरी तरफ। ये है कि जितनी भी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज हैं टर्की में, जो टूरिज्म कंपनी हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास गाड़ी है, छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, तो आप उनके साथ ये एक एग्रीमेंट करके तो आप उनको सर्विस अपनी दे सकते हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप आप दे सकते हैं, यानी आज एक बंदा है, उसके कुछ फैमिली आ रही है, मेहमान आ रहे हैं या बिजनेसमैन आ रहा है, तो आप उसे एयरपोर्ट से पिक कर सकते हैं, और इसी तरह से किसी ने एयरपोर्ट जाना है तो आप उसे ड्रॉप दे सकते हैं। तो क्योंकि लाखों की तादाद में टूरिस्ट या बिजनेसमैन आते हैं इस्तांबुल में, तो बहुत सी कंपनी से आप इस तरह से रजिस्टर्ड होकर उनको आप सर्विस दे सकते हैं पिक एंड ड्रॉप की, या टूरिज्म से रिलेटेड, या जो है किसी ने डे ट्रिप करना है इस्तांबुल का या आगे पीछे जाना, यानी ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं कि टूरिज्म या ट्रैवल एजेंसीज के साथ मिलकर आप उनको ट्रांसपोर्ट सर्विस दे सकते हैं। तो ये आप इसको टैक्सी समझ लें, ट्रांसपोर्ट सर्विस कह लें, कुछ भी कह लें, यही एक छोटा सा गैप है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपका जबान का आना ज़रूरी है, आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है, और आपके पास लीगल रेजिडेंस होना ज़रूरी है, यानी कि या तो आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस हो, या आपके पास बिजनेस रेजिडेंस हो, या कोई भी रेजिडेंस हो, सपोज करें आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके पास रेजिडेंस हो, और आप अपनी गाड़ी के मालिक हो, आपके पास गाड़ी हो, और आप टूरिज्म कंपनीज या ट्रैवल कंपनीज जो है उनके साथ मिलके पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज दे रहे हैं, या आप एक शहर से दूसरे शहर या सिटी विजिट करवा रहे हैं, तो ये आप एक ट्रांसपोर्ट सर्विस दे सकते हैं। लेकिन एज ए फ्री इंडिपेंडेंट टैक्सी ड्राइवर आप इस्तांबुल में काम नहीं कर सकते। जो लोग ये कहते हैं कि आप कर सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, तो मेरे भाई उनके पास कोई सोल्यूशन होगा, आप उनसे रابطہ कर लें। लेकिन जो हमारी रिसर्च है, जो मार्केट की हकीकत है, जो रियल फैक्ट है, कि जहाँ पर सिर्फ $3 लाख के करीब एक टैक्सी का नंबर सेल हो रहा हो, और वो नंबर जो है महाना तकरीबन 8 से 10 हज़ार टर्किश लीरा पर वो रेंट आउट किया जा रहा हो, या मिनिमम 4 हज़ार से 10 हज़ार टर्किश लीरा का सिर्फ नंबर रेंट आउट किया जा रहा हो, तो वहाँ पर आप क्या बचाएंगे और आप कैसे काम कर सकेंगे? तो ये तो फैक्ट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप एज ए टैक्सी ड्राइवर काम नहीं कर सकते, एज ए ट्रैवल एंड टूरिज्म आप एक ट्रांसपोर्ट के तौर पर आप कह रहे पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज दे सकते हैं, डे ट्रिप्स में आप सर्विस दे सकते हैं आगे पीछे कस्टमर्स को लेके आने जाने में, और ये आपके पास अपनी गाड़ी है और आप ये उनके साथ मिलकर उनको सर्विसेज दे रहे हैं जो टूरिस्ट आते हैं या जो बिजनेसमैन आते हैं। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में कौन कौन सी कंपनीज टैक्सी का काम कर रही हैं। जी, मैंने बताया तीन कंपनी जो इस वक्त काम कर रही हैं, जो ऑलरेडी इस्तांबुल म्यूनसिपैलिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं जी ड्राइवर, सर, वो तकरीबन 20 हज़ार के करीब हैं। तो उन्हीं को जो है ये रजिस्टर्ड करके आगे, एक तो मैंने बताया बाई टैक्सी, BI बाई टैक्सी के नाम से, और एक आई टैक्सी है जी और सर, एक लिफ्ट है, टोटल तीन है। ऊबर को बैन कर दिया गया है टर्की में, ऊबर काम नहीं कर रहा सही हो गया सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, मैं है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई हमारा भाई टैक्सी का वहां पे काम करता है, जैसा कि आपने सोल्यूशन बताया है, तो जी वो जी महाना कितना कमा सकता है आसानी से। देखिए, अगर आप ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देते हैं, आप बिजनेसमैनों को पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, या आप किसी भी ट्रैवल या टूरिज्म कंपनी से काम कर रहे हैं, जी सर,
तो वो ट्रिप के हिसाब से होता है, एक ट्रिप तकरीबन 100 टर्किश लीरे का होता है। सही हो गया तो सर। अगर आप 5 या 10 लोगों को भी दे देते हैं तो मतलब 500 से 1000 टर्किश लीरा आप डेली बेसिस पे कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कितनी कंपनीज के साथ आप लिंक हैं और कितनों को आप सर्विस दे रहे हैं। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं वेलकम। आपसे यह जानना चाहूँगा कि टैक्सी सर्विस का काम करते हुए बंदा आसानी से अपने फैमिली के अखराजात वहाँ पे पूरे कर सकता है तुर्की में? देखिए, आप इसे टैक्सी ना कहें, आप इसे ट्रांसपोर्ट सर्विस कह लें, ट्रांसपोर्ट सर्विस कह क्योंकि लेते हैं फिर सर। लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये टैक्सी जो है उसके लिए एज ए टैक्सी ड्राइवर रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर ऐसा और ही। जो बंदे जो हमारे यहाँ जो टैक्सी का कॉन्सेप्ट है, वो गरीब लोग जो होते हैं बेचारे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो गाड़ी रख के एक सर्विस दे रहे होते हैं। जी सर ऐसा ही है। तो इसलिए आप इसे ट्रांसपोर्ट सर्विस कह लें कि आपके पास अपनी गाड़ी है और आप टूरिस्ट को या बिजनेसमैन को ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, जी सर टूरिज्म कंपनीज के साथ मिलकर और ट्रैवल कंपनीज के साथ मिलकर। तो आप क्या सर्वाइव कर सकते हैं? यस, आप सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इस्तांबुल एक बड़ा शहर है और तुर्की में तकरीबन 7 से 6.5 करोड़ से 7 करोड़ टूरिस्ट आता है, जी सर और उनको पिक एंड ड्रॉप भी चाहिए बहुत से लोगों को। और इसके साथ साथ जो है वो डे ट्रिप्स भी होते हैं इस्तांबुल के, एक शहर एक इलाके से दूसरे इलाके के, मुख्तलिफ प्लेसेस के। और इस्तांबुल का बजाते खुद अपना भी फैमिली का डे ट्रिप होता है या करीबी दूसरे शहरों का। जी तो वो सर सारा जो आप ट्रांसपोर्ट सर्विस दे सकते हैं, उसमें आपकी बड़ी वैन है, छोटी वैन है, या फिर नॉर्मल एक कार है, तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग इसमें पॉसिबल जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे यह जानना है। चाहूंगा कि अगर कोई हमारा भाई वहां पे जाके थोड़ी सी जुबान सीख लेता है स्टार्टिंग में 2-3 माह लगा के, और फिर वो ट्रांसपोर्ट किसी कंपनी के साथ ऐड होना चाहता है, तो क्या वो आसानी से वहां पे ऐड हो सकता है? जी बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं ऑलरेडी जो काम कर रही हैं, तो आप उनके साथ अगर आपके पास गाड़ी है, आपको लैंग्वेज भी आती है, तो वो वेलकम करते हैं, क्योंकि जबरदस्त सर ट्रांसपोर्ट एक ऐसा शोबा है जिसमें 24 आवर सर्विस की ज़रूरत होती है। किसी ने सुबह 2 बजे जाना है जी सर तो उसको गाड़ी की ज़रूरत है। इसी तरह से जो जितनी भी टूरिज्म कंपनीज हैं या ट्रैवल एजेंसीज हैं, वो पिक एंड ड्रॉप्स दे रही होती हैं, जी सर तो उनको ज़रूरत होती है ऐसे मेहनती लोगों की जो जब एक कॉल के ऊपर वो अवेलेबल हों। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती मालूमात से आगाह किया जी जो वेलकम, हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भाइयों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।